सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई नॉर्मल कैंडलस्टिक वीडियो नहीं है। इसके अंदर हम एक सिंप्लीफाइड वे में कैंडलस्टिक्स को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में या कभी भी कैंडलस्टिक्स या कैंडलस्टिक्स पैटर्न से रिलेटेड कोई डाउट ना आए। तो ये जो इस वीडियो का पर्पस है, सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। इसके अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उनको मैंने सिंप्लीफाई किया है, चार चार कैटेगरीज बनाई है। तो पहली कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो ये है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये है बिग कैंडल। बिग कैंडल क्यों है कि देखोगे आप, ये एक बड़ी कैंडल है, इसकी बॉडीज देखोगे काफ़ी बड़ी है, चाहे वो ग्रीन वाली हो या रेड वाली हो। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो प्राइस है उसमें एक स्ट्रेंथ है, बायर्स और सेलर्स उसको अपने तरफ अपने फेवर में डोमिनेटिंगली लेके जा रहे हैं और क्लोज कर पा रहे हैं। अब आप जैसे यहाँ पे देखोगे ओपन हुआ और उन्होंने अपने फेवर में एक अच्छे काफ़ी ऊपर तक ले जाके क्लोज करा बायर्स ने, और इधर देखोगे सेलर्स ने ओपन करा और अपने फेवर में काफ़ी अच्छे तरीके से लाके क्लोज करा। सेकेंड कैंडल जो है इस कैटेगरी में वो है शॉर्ट कैंडल। इसमें आप देखोगे जो शॉर्ट कैंडल की होगी, एक छोटी कैंडल आपको दिख रही होगी, इसकी बॉडी भी काफ़ी छोटी है, विच शोज़ कि बायर्स ने प्राइस ओपन करा और वो अपने फेवर में ज़्यादा ले जा नहीं पाए इसको, विच शोज़ कि ये वीकनेस है इसके अंदर, वो अपने फेवर में नहीं ले जा पा रहे ज़्यादा, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। सेम केस में सेलर्स में देखोगे उन्होंने ओपन करा और अपने फेवर में नहीं ले जा पाए ज़्यादा, थोड़ा सा लेके जा पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं, विच मीन्स कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इनके अंदर स्ट्रेंथ होती तो एक बड़ी कैंडल बनाते अपने फेवर में इसको ले जाते, तो इसलिए इसको शॉर्ट कैंडल कहेंगे, ये एक वीकनेस का साइन है। थर्ड कैटेगरी जो है वो है रिजेक्शंस। रिजेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजेक्शंस हमें बताती है कि कौन है जो रिजेक्ट हो रहा है, कौन है जो एक्टिव हो रहा है, चाहे वो बायर्स है चाहे वो सेलर्स है। इधर देखोगे आप तो जो सेलर्स का प्राइस है रिजेक्ट हो गया, इधर देखोगे तो बायर्स का प्राइस रिजेक्ट कर दिया सेलर्स ने। तो रिजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली कैंडल्स नहीं, रिजेक्शंस भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की रिजेक्शंस है, अलग अलग तरीके की रिजेक्शंस हो सकती है, ज़्यादा कम, तो रिजेक्शंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो फोर्थ कैटेगरी डोजी कैंडल। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक तो इस तरीके की कैंडल आपको दिखती होगी और एक इस तरीके की जिसमें एक शॉर्ट बॉडी होती है। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा थर्ड पॉइंट रिजेक्शंस, इसमें आप देख पा रहे होंगे बोथ साइड्स ऊपर और नीचे रिजेक्शंस है, तो उसका मीनिंग क्या है कि दोनों का प्राइस रिजेक्ट हो रहा है और दोनों इक्वली एक्टिव भी है। ये क्या दिखा रहा है, इनडिसीजन दिखा रहा है, एक प्राइस में इनडिसीजन दिखा रहा है, ये नहीं, ये बता रहा है कि अभी कोई भी पावरफुल नहीं है, दोनों इक्वली पावर लगा रहे हैं, एक इनडिसीजन का साइन है। सो फाइनली ये चार कैटेगरीज है हमारी कैंडलस्टिक्स की। तो आप कोई भी कैंडलस्टिक उठाए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न उठाए, आपको इन्हीं चार चीज़ों को मिला के कुछ ना कुछ बताया गया होगा, उसका अलग नाम रख दिया गया होगा, लेकिन इससे अलग आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो है यही है। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को नाम से याद करते हैं तो बहुत बार ऐसा होगा आपको चार्ट पे एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा ही मिलेगा, तो जिससे कि आपको कन्फ्यूजन्स आ सकती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप प्राइस को समझे, प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है ये समझे, ना कि कैंडलस्टिक पैटर्न याद करें और उसको सपोर्ट करें। अगर आपको प्राइस एक्शन पे काम करना है तो प्राइस एक्शन, प्राइस तो बहुत सारी चीज़ें बताती है, आपकी कैंडलस्टिक होगी, हाइकन ऐशी होगी, लाइन वगैरह, काफ़ी जगह आपको प्राइस पता लगता है, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन पे एक इफेक्टिव तरीके से काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, तो मेरा व्यू ये है कि आपको कैंडलस्टिक्स यूज़ करनी चाहिए। तो कैंडलस्टिक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उनको रीड करना आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने एक सिंप्लीफाइड तरीके से देख लिया है। आप इसको यूज़ करिए और मेरे को बताइए कैसा लगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइज़।